हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डुगु मम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पर आज बच्चों की फरमाइश से बन रहा है, जैसे कि आप लोग को सब देख के समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। तो सही समझा आपने, मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया, क्योंकि हम ओवन में नहीं बनाएंगे, हम कढ़ाई में बनाएंगे। तो इसमें ना तो हम नमक डालेंगे ना तो हम कोई चीज़ डालेंगे। ठीक है, तो बस हम इसी पहले अच्छे से हम गरम कर लेंगे कढ़ाई, और यहाँ पर जब तक वो कढ़ाई गरम हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर अपने ब्रेड को तैयार करूँगी, पिज़्ज़ा ब्रेड। ठीक है, वहाँ मैंने बटर लगा दिया है, एक बेस एक साइड का मैंने सेकने के बाद में, जिस साइड मैंने सेका है उसी साइड पे हमें सारी चीज़ें लगानी है, जैसे सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटो केचप और सारे सॉसेस जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो, सारी चीज़ें मुझे उसमें अच्छे से जिस तरह से सेका है उसी साइड में लगाना है। तो चाहो तो अगर आप घर पे ब्रेड बना रहे हो तो वो भी बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट मैं घर पे नहीं बनाई थी, मैं रेडीमेड लेकर आई थी जो पिज़्ज़ा ब्रेड होता है। तो मैं बस यहाँ पर देखिए अच्छे से सब मिक्स कर दिया है, तो अभी आता है हमें इसे अच्छे से गार्निश करने। तो हम गार्निश इस तरह से कांदा और शिमला मिर्ची, इसमें आप रेड वाली शिमला मिर्ची ले सकते हो या फिर बहुत सारे ऐसे चीज वेजिटेबल जिसको जो डालना है, मशरूम हो गया, पनीर हो गया, आप सब कुछ डालकर बना सकते हो, बट मैंने नहीं, मैंने सिंपल सा, मेरे डोगों को जो पसंद है, डोगों को तो ये, मेरे डोगों को तो एकदम मैंने सिंपल सा किया था ये, मतलब डोगो ज़्यादातर सिंपल, उसे एक क्लासिक ऑनियन करके आता है पिज़्ज़ा, वो ज़्यादा उसे पसंद है, लेकिन आज मैंने ये वाला बनाया है। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं पनीर, भर के पनीर डालिए या फिर कम डालिए वो आपके ऊपर है, चाहे थोड़ा ना, जैसे भी आपको हो सकता है आप ज़रूर डालिएगा। यहाँ पर मैंने ज़्यादा तो नहीं डाला, थोड़ा सा पनीर, और अभी हम इसमें डालेंगे चीज़। ये देखिए हम चीज़ वगैरह अच्छे से डालते हैं, और इसके बाद आ जाता है इसे भी चीज़ ही कहते हैं, लेकिन ये स्लाइस है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे क्यूब्स पहले कट कर करके सब जगह रखूँगी, क्योंकि मैं एक ही जगह पर सब चीज़ें नहीं रखूँगी, अगर वहाँ पे पनीर भी है, वहाँ पे मैंने चीज़ भी डाला है, और ये भी वहाँ पर डाल दूँगी, तो मोज़रेला चीज़ भी मैंने वहीं डाल दिया, तो इसलिए एक ही जगह सब हमें नहीं रखना है। इसमें साइड साइड हम अच्छे से गार्निश करेंगे, ताकि वो जब पके तो एक अच्छा लुक आए और देखने में एकदम टेस्टी और यम्मी लगे, ताकि नहीं खाने वाले, पिज़्ज़ा नहीं खाने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, सबको पसंद आता है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पर अच्छे से हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने गैस को भी चालू ही रखा है, क्योंकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जानी चाहिए। मैंने अभी स्लो फास्ट करके मैंने गैस पे, ये देखिए पहले ही हमारा ये बन के एकदम रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने गैस फास्ट किया ताकि कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाए, और उसके बाद हम स्लो करके यहाँ पर मैंने तवा रख दिया, डोसे वाला तवा करके 5 मिनट से 10 मिनट तक पकाया था, एकदम गर्मा गर्म बन के रेडी हो चुका है। तो बस यहाँ पर आप लोग भी आइए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, फिर मिलेंगे।